आज मैं आपके साथ शेयर कर बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस रेसिपी, हेल्दी ढोकले की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करें। ढोकला बनाने के लिए मैंने एक बाउल लिया है। इसके लिए मैं हाफ कप बेसन लूंगी। आप कोई भी बेसन ले सकते हैं, ये बारीक पिसा हुआ बेसन है। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत इजी भी है बनाना इसे, और विंटर सीजन में बहुत अच्छा है। ये मैंने लिया है 1 कप रवा। ये देखिए मेरा रवा थोड़ा मोटा था तो मैंने इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। अगर आपका रवा भी मोटा हो तो आप मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिएगा। हम इसमें डालेंगे दही। दही हमें लेना है 3/4 कप। ये मैंने रेडीमेड दही लिया है। अगर आपके घर में जमा हुआ है तो अच्छा है। अब हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे इसे मिक्स करने के लिए। मैं 1/4 कप वाटर डाल रही हूँ। देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। वाटर की कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है। अगर आपके दही में पानी है तो आपको वाटर कम लगेगा। थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ। देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है बेसन और रवा को। 5 मिनट में ही अच्छे से रवा एब्जॉर्ब पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और सेट हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये मैंने लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट लिया है। तीखा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर डालिए बहुत ही टेस्टी लगता है ये। ये देखिए मैंने मेथी लीव्स लिया है। ये मैंने 1/2 कप लिया है। इसको अच्छे से चॉप किया है। ये मैंने कोरिएंडर लीव्स लिया है, ये 1/4 कप है। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बहुत हेल्दी ढोकला है और विंटर सीजन में तो बहुत ही अच्छा है। ठंड है, ठंड बढ़ गई है, तो आप इसे जरूर बनाइए। और मैं इसमें ऐड करूंगी अ पिंच ऑफ हींग। देखिए हींग पाउडर। देखिए हमने अच्छे से बैटर को मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल डालने से क्या होता है, आपका ढोकले का मॉइस्चर बना रहेगा और बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी तक मैंने नमक ऐड नहीं किया है, नमक मैं बाद में ऐड करूंगी। देखिए मिक्स हो गया है अच्छे से। ये आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, थोड़े से चाहे तो स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो सफ़ेद सेसमे सीड्स ऐड कर सकते हो। देखिए मिक्स हो गया अच्छे से। अब हम इसे 5 मिनट्स का रेस्ट देंगे। ये 5 से 7 मिनट हो गए हैं। देखिए रवे ने पानी अच्छा एब्जॉर्ब कर लिया है। इसके लिए हमें थोड़ा सा और पानी लगेगा। इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर रही हूँ, अराउंड 1/4 कप। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे।
अब हम इसे थोड़ा सा साइड में रखेंगे। अब हम अपना टिन तैयार करेंगे। देखिए मैंने ये टिन लिया है, इसे मैं ग्रीस करूंगी। अब लास्टली हम इसमें नमक ऐड करेंगे, सॉल्ट और इनो। हमें इनो डालने से पहले हमारा टिन और स्टीमर रेडी रखना है। हम सॉल्ट डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी है। बस इतने ही हमें पानी ऐड करना है। ठीक है, अच्छे से मिक्स हो गया, ये अच्छे से फूल गया। अब हम इनो डालेंगे लास्टली। हमारा स्टीमर भी तैयार है, हमारा टिन भी तैयार है। देखिए मैंने इनो लिया है 1 टीस्पून और हम इसमें 1 टीस्पून पानी ऐड करेंगे इसे एक्टिवेट करने के लिए। ये आप देख सकते हैं इसमें बबल्स। इसे अच्छे से एक बार सिर्फ मिक्स करना है, हमें ज्यादा मिक्स नहीं करना है और हम तुरंत ही इसे टिन में डालेंगे। देखिए मैंने इसे टिन में पलटी कर दिया। अब इसे एक बार टैप करेंगे। अब हम इसे स्टीमर में रख देंगे 15 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए। देखिए स्टीमर हमारा गर्म हो चुका है। देखिए पानी ऐसा बॉयल होना चाहिए अच्छे से। अब मैं इसमें स्टीमर में रख दूंगी 15 मिनट्स के लिए। इसे ढक दूंगी। 15 मिनट तक हमें इसे खोलना नहीं है। 15 मिनट में ये अच्छे से स्टीम हो जाएगा। देखिए 15 मिनट हो गए हैं, हमारा ढोकला बनके रेडी है। ये देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए अब मैं इसे कट करूंगी। आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं और मैं इसे भी फ्राई करके भी बता दूं आपको स्टर फ्राई। देखिए इसका टेक्सचर देखिए आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, नहीं तो हम इसे स्टर फ्राई तड़का देंगे। तो चलिए देखिए मैंने यहाँ पे गैस पे कढ़ाई रखा है। इसमें मैं अराउंड 1.5 टीस्पून ऑयल डालूंगी। बस इतना डालना है, ज्यादा ऑयल नहीं डालना है। बहुत ही हेल्दी ढोकला है। अब चाहे तो उसमें पालक का भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं 1/4 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स डालूंगी यानी कि राई। देखिए हमारा मस्टर्ड सीड्स फ्लटर हो रहा है। फ्लटर हो गया। ये मैंने तिल के दाने डाले हैं, इसे भी मिक्स कर देंगे। और हम ये अपना ढोकला ऐड करेंगे इसमें। ये ऐसे भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको जल्दी हो या आपको सफर में जाना हो तब इस ढोकले को जरूर बनाइए, बहुत ही अमेजिंग लगता है। देखिए हम इसे 5 मिनट इसी तरह से मीडियम फ्लेम में इसे हम टोस्ट करेंगे। देखिए अब शायद इस पे रेड चिली पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे 5 मिनट मैंने रखा था। देखिए कैसे क्रिस्पी हो गया है, देख सकते हैं आप। देखिए हो गया। अब मैं इसे सर्विंग डिश में निकालूंगी, देख सकते हैं आप। हमारा ये हरियाली ढोकला बनके रेडी है, बहुत ही हेल्दी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। विंटर्स में तो बहुत अच्छा है, आप कोई भी वेजेस ऐड कर सकते हैं। आपको हमारे मेरा वीडियो कैसा लगा इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।